अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अदीब और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि हम व्हाट्सएप के जो स्टेटस है डाउनलोड कैसे करेंगे। तो हाउ टू डाउनलोड व्हाट्सएप स्टेटस विद आउट एनी ऐप। तो आप लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मैंने देखा है कि वो एक स्टेटस डाउनलोड करने के लिए बड़ी बड़ी ऐप करी खड़े होते हैं, जैसे GB व्हाट्सएप। कुछ लोग तो GB व्हाट्सएप कर लेते हैं कि वहाँ पे स्टेटस वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है इस तरह से कुछ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के, बग़ैर किसी ऐप के, बग़ैर किसी तरीके के, सॉरी तरीका तो एक है लेकिन बग़ैर किसी ऐप के आप जो है डाउनलोड कैसे करेंगे व्हाट्सएप के स्टेटस। अगर आपने किसी से स्टेटस मांगा है, उसने नहीं दिया, वो ऑफलाइन हो गया या उसकी कोई मजबूरी, इस तरह कुछ भी हो सकता है, तो आपको स्टेटस चाहिए उसी टाइम, तो आपने कैसे वो लेना है। तो जैसे कि आपको मैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं ताकि आपको भी कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये होते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत सारे स्टेटस है यहाँ पे, तो आपको कोई भी स्टेटस पसंद आ सकता है। तो आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं, बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो चलें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक, अभी जैसा कि यहाँ पर ये ब्लू जो लाइन है ना, जो ये लाइन है ये आपको भरनी है। वो कैसे, अब मैं यहाँ पे एक स्टेटस ओपन करता हूँ ये वाला। अब ये स्टेटस अभी अभी डाउनलोड हुआ है, नेट स्पीड अच्छी थी इस वजह से सेकंड में डाउनलोड हो गया। ये जितनी देर में डाउनलोड हुआ, ये डाउनलोड हो के कहीं ना कहीं गया है, तो वहाँ से आपने इसको चेक करना है कि ये कहाँ पर गया है। तो एक दो और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है। अब ये देखिए, ये अभी अभी डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड हो के, ये अभी अभी डाउनलोड हो गया, यानी ये डाउनलोड आपके फ़ोन में हो गया लेकिन आपकी गैलरी में या कहीं पे भी शो नहीं होता, तो उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टेटस चाहिए, आप मेरे यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। उसके अलावा मेरा एक पेज है, मैं उस पर अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पेज दिखा दूँ, तो उस पेज पर आपको हर तरह के फ़नी फ़नी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने लेदर से एक इसके लिए पेज बनाया हुआ है, ये देखें व्हाट्सएप का। तो इसका नाम है व्हाट्सएप स्टेटस 30 सेकंड। आप सर्च करेंगे सिर्फ मेरा ही आएगा। यहाँ पे आपको हर तरह के स्टेटस, यहाँ पे मैं रोज़ की रोज़ दो तीन रोज़ अपलोड करता हूँ जो के काम के होते हैं। ऐसे ही फालतू में कोई भी स्टेटस जो है यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा, कोई ना कोई काम का ही मिलेगा। तो हमारा बात कौन सी थी, हमने देखना है कि आपके पास जो स्टेटस डाउनलोड हुआ है वो कहाँ पर जाता है। तो आपने अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपने अपनी स्टोरेज ओपन करनी है। तो यहाँ पे मैं ऑल फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस फाइल के अंदर आपने जो है अपना व्हाट्सएप का फ़ोल्डर ढूंढना है। पहले तो आप कंफर्म कर लें आपका व्हाट्सएप का फ़ोल्डर जो है SD कार्ड में है या आपके फ़ोन में। तो यहाँ पर मेरे पास SD कार्ड नहीं है, मेरे फ़ोन में ही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं व्हाट्सएप का फ़ोल्डर आ गया। उसके बाद फोल्डर के बाद इसके अंदर एक मीडिया का फोल्डर है। मीडिया के अंदर आपकी हर चीज़ पड़ी हुई है, जो भी आप मीडिया में कोई देखते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी, वो सारा यहाँ पे आता है। उसके अलावा चैट वगैरह जो है यहाँ पे डेटाबेस में, वो लादा बात है। तो यहाँ पे आपका जो है कोई भी मीडिया फाइल यहाँ पे आपकी पड़ी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे फाइल यहाँ पे, इसके अंदर फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन होता तो वहाँ से जाके मैं इसकी फ़ाइल जो हिडन है वो शो कर लेता, लेकिन मैं ये फ़ाइल मैनेजर कम यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने अलहदा से डाउनलोड किया हुआ फ़ाइल एक्सप्लोरर। तो ये आपको अगर चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो बात पहले भी मैंने कुछ वीडियो में बताए हुए हैं और इसमें भी एक और बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी स्टोरेज आपको दिख रही होगी, तो इससे क्लिक करने से पहले आपने इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 डॉट है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे आपको मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये हिडन फाइल का एक आपको लेबल मिलेगा जिस पे आपने यहाँ पे स्विच पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। और जब ये ऑन हो जाए तो आपके फाइल के अंदर जितनी भी SD कार्ड के अंदर या फाइल के अंदर जितनी भी फोल्डर होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो
इसको मैंने ऑन किया हुआ है। ऑन करने के बाद इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे अब मैं जाता हूँ अपनी इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जितने भी फ़ोन में फ़ोल्डर थे सारे के सारे शो हुए हुए हैं। तो अब मैं करता हूँ स्क्रॉल ऑन और ढूंढता हूँ अपना व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का फ़ोल्डर हमारा आ गया और इसके अंदर हमारा था मीडिया का फ़ोल्डर। मीडिया का फ़ोल्डर आ गया यहाँ पे। तो मीडिया के फ़ोल्डर में यहाँ पे हमने इसको ओपन करना है। उससे पहले आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये डॉट सिर्फ इस फोल्डर के आगे लगा है। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बना दी है कि अगर आप डॉट लगाएं तो आपका फ़ोल्डर जो आपके फ़ोन में हिडन हो जाता है। किसी भी नेम के आगे आप डॉट लगा दें आपका फ़ोल्डर हिडन हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरे जो नॉर्मल है आप वो देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है डॉट नहीं लगे हुए, इनके नामों पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना फ़ोल्डर, ये ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप की तरफ से है कि आपका जो है ये वाला फ़ोल्डर आपको शो नहीं होगा कहीं पर भी, आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा। इसको आप करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने आज तक जितने भी स्टेटस देखे हैं सारे के सारे आपके यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कितने गए। तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 168 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। उसके अलावा इसको आप शेयर कैसे करेंगे, यानी कि ये सारे मैंने देखे हैं। जैसे ही वो आप उसको क्लिक करके ओपन करते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, चाहे आप करना चाहें डाउनलोड या नहीं, वो यहाँ पर डाउनलोड होगा। अब जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद इसको अब मैं यहाँ पे शेयर का बटन, ये देखें ओपन करके शेयर करें। और जब शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे कर दें, कहीं पे भी कर दें, आपको यहाँ पे सारे जो है ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप कहीं पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है किसी का स्टेटस जो है अपने पास डाउनलोड करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाहर निकाल लें, अगर आपने इसको बाहर निकालना है क्लिक करें और यहाँ पे आप कॉपी कर लें, कॉपी करके बाहर जाके पेस्ट कर दें। यहाँ पे ये देखें पेस्ट का ऑप्शन भी है। तो उसके अलावा अगर इसका डॉट ख़त्म करेंगे तो ये शो हो जाएगा आपके पास। तो आप चाहें डॉट ख़त्म कर दें या इसी तरह से रहने दें। तो आपके जो सारे के सारे स्टेटस यहीं पे होते हैं। आज की हमारी ये वीडियो थी कि आपको स्टेटस कहाँ से मिलेंगे किसी के जो दोस्त ने जो लगाए हुए हैं। तो आप इस तरह से अपने स्टेटस जो है, सॉरी, दूसरों के स्टेटस अपने फ़ोन में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।